बात कर लेते हैं आपके 12 भाव पर। वृष राशि आपकी विराजमान है और यहाँ पर तीन तीन ग्रह युति भी बना रहे हैं और तीन तीन ग्रह का होना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है इस समय, ये भी आप समझ सकते हो। सूर्य जो आपकी आत्मा है, जो आपके तेज हैं, जो आपके पिता के कारक भी है और सूर्य ग्रहों के राजा भी है। गुरु बृहस्पति, गुरु से आप वाणी को भी देखते हैं, गुरु से आप संतान को भी देखते हैं, गुरु से आप धन को भी देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम गुरु से देखते हैं। शुक्र, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें लग्जरियस प्राप्त होती है, आप ऐसे मान सकते हैं, मान सम्मान, हमारे यश, वैभव, गाड़ी घोड़ा कहाँ से प्राप्त होता है। जब शुक्र आपके शुक्र देवता की अपना जब शुक्र देव की आपको इन सब चीज़ों की पूर्ति होती है, तो जब ही आप इन सब चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, ये भाव किसका होता है। ये भाव जो आपका है, ये आपका व्यय का भाव है, जहाँ पर ये विराजमान है। व्यय यानी खर्चा, यानी हॉस्पिटलिटी, यानी कोर्ट, यानी कचहरी, ठीक है, यानी विदेश, जिस भाव पर ये विराजमान है, इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। अच्छा, इनका यहाँ पर होना, इसका मतलब अगर ये यहाँ पर विराजमान है तो गुरु आपके साथ वैसा तो कुछ बुरा नहीं करेंगे कि आप व्यय का मतलब जो खर्चा है आपका गलत दिशा में चला जाए। जो भी आपका खर्चा होगा, कहीं ना कहीं गुरु भगवान आपको, गुरुदेव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको बचाएंगे। आपका जो भी खर्चा कराएंगे वो कहीं ना कहीं ऐसे काम पे कराएंगे जिससे आपका कहीं ना कहीं भला होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं शुक्र की। ये भी हो सकता है कि शुक्र भगवान, शुक्रदेव यहाँ पर विराजमान है, ठीक है, शुक्राचार्य जी देते गुरु, तो ये भी हो सकता है कि क्यों जो भी हम चीज़ें प्राप्त करते हैं, ये लग्जरियस कहाँ से प्राप्त करते हैं, शुक्र से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। लेकिन गुरु का साक्षात विराजमान होना और सूर्य का विराजमान होना ये बात को दर्शाता है कि हमारे साथ जो हमारा जो खर्चा होगा कहीं ना कहीं सही दिशा में होगा, गलत दिशा में नहीं होना चाहिए। एक चीज़, दूसरी चीज़, इसका मतलब आप एक और अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके जो विराजमान है, जो कोई लोग विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जा सकते हैं, विदेश में कोई काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी उनका चल सकता है, और अगर किसी का वीज़ा नहीं लग रहा है तो वो भी हो सकता है, एक चीज़। दूसरी, अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी आपका केस चल रहा है तो इस समय इनका विराजमान होना कहीं ना कहीं आपको शांति प्रदान कर सकता है। गुरु से आपने देखा होगा, गुरु संतान के लिए भी होते हैं, संतान देने का भी काम गुरु करते हैं, तो ये हॉस्पिटलिटी का भी आपका भाव है, तो यहाँ ये भी हो सकता है कि जो आपका खर्चा हो हॉस्पिटलिटी में हो या वैसे हो, तो कहीं ना कहीं आपके भले में होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो गुरु बृहस्पति को आपकी तीन दृष्टि दी हैं, जो पहली पाँचवीं दृष्टि है, पाँचवीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली जी दृष्टि जो आपकी पड़ रही है, कहाँ पर पड़ रही है, आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। ये भाव किसका होता है, ये घर का होता है, गाड़ी का होता है, मान का होता है, सम्मान का होता है, आपकी फैमिली का होता है। फैमिली के जितने भी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं वो आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो राशि यहाँ पर विराजमान है, यहाँ कन्या राशि विराजमान है। कन्या राशि विराजमान होने का मतलब क्या हुआ, जिसके स्वामी होते हैं बुध, और आपके स्वामी कौन है, आपके भी स्वामी हैं बुध, तो यानी क्या होगा, ये वाला भाव हमारा वैसे भी पूर्ण रूप से हमारे फायदे के लिए हो गया। अब इसका हमें क्या फायदा होगा, इसका हमें ये फायदा होगा, अगर कोई भी जातक इस समय भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए, जैसे घर नहीं बनाया किसी का, या किसी को गाड़ी लेनी है, जमीन लेनी है, इन्वेस्ट करना है, जितने भी जहां आपको फैमिली के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, जहां से फैमिली के सुखों की पूर्ति होती है, तो ये भाव से हम उन सब चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मोक्ष का भी भाव है, ये भी हमारा मोक्ष का भाव है, ठीक है। तो यहाँ हमारी मोक्ष कब मिलता है आदमी को, जब आपकी पूर्तियाँ हो जाती हैं किसी भी चीज़, तो यहाँ हमारी उन पूर्तियों की, हमारे मनोरथों की कहीं ना कहीं उपलब्धि हमें प्राप्त होती नज़र आती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं उनकी सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, सातवीं दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ रही है, छठम भाव पर पड़ रही है। छठे भाव का अर्थ हो गया रोग, ऋण और शत्रु, ठीक है, रोग ऋण शत्रु यहाँ पर आपकी पड़ रही है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर एक और फायदा है, सूर्य देव की भी यहाँ दृष्टि पड़ रही है सातवीं, शुक्र देव की भी यहाँ सातवीं दृष्टि पड़ रही है, और गुरुदेव की तो दृष्टि पड़ ही रही है, ठीक है। और गुरुदेव की जहाँ दृष्टि पड़ती है, उनके दृष्टि अपने आप में वैसे भी अच्छी होती है, ठीक है ना।
तो वो आपके लिए वैसे भी अच्छा है। राशि कौन सी विराजमान है? राशि आपकी यहाँ विराजमान है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का मतलब क्या हुआ? आपके मंगल मंगल हो गए, ठीक है। तो मंगल के हिसाब से भी आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं देवगुरु, देवगुरु मतलब आपके देवगुरु आ गए यहाँ पर, देव वो आ गए हैं और यहाँ भी आ गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा इनका होगा। अब यहाँ फ़ायदा क्या होगा? जब सेनापति यहाँ पर विराजमान है, आप समझ सकते हैं, जब सेनापति विराजमान है तो क्या होगा? आपको रोग से, ऋण से और शत्रुओं से लड़ने की जो क्षमता होगी वो आपकी दुगनी हो जाएगी। आपका जो पराक्रम है वो दुगना हो जाएगा। क्यों दुगना हो जाएगा? क्योंकि साक्षात आपके यहाँ पर सेनापति विराजमान है, आप ऐसे ले सकते हैं। तो क्या होगा? आप पे रोग हावी नहीं हो सकते, शत्रु आप पे हावी नहीं हो सकते, और कहीं ना कहीं जो आपके ऋण अगर कोई ऐसा चल रहा है, लोन वगैरह आपका चल रहा है, तो वो लोन आपका कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि गुरु से हम धन को भी देखते हैं, गुरु से हम वाणी को भी देखते हैं, गुरु से हम संतान को भी देखते हैं, गुरु से हम व्यापार को भी देखते हैं। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं जब सारी चीज़ें हमें गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही है और सूर्य भगवान का भी, सूर्य देव की भी यह रोशनी इस घर को प्रकाशमय हो रहा है और शुक्र देव साथ साथ आपके शुक्राचार्य भी आपके यहाँ अपना दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्या होगा? इन तीनों की पूर्ति हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे हित में होगी। तो हम अगर थोड़ा सा भी अपने नियम से, कानून से, अपने आलस को छोड़ के अपना काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इस भाव पे हम विजय प्राप्त करेंगे और ये भाव हमारे लिए उचित और उत्तम होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से। चलिए बात कर लेते हैं उनकी नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? नवम दृष्टि आपकी पड़ रही है यहाँ पर। ये किसका भाव है? ये आपके आयु का भी भाव होता है, ये आपके मृत्यु का भी भाव होता है, ये भाव आपका रुकावटों का भी होता है, और ये कुछ अधूरी ख्वाहिश होती हैं ये उनका भी भाव होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कुछ तनाव होते हैं, जो तनाव हमारे चलते रहते हैं, जो हमारे 99 पर आके काम अटक जाते हैं, इस भाव को हम ये भी कह सकते हैं कि इस भाव से हम ये भी संबंध निकाल सकते हैं। और राशि कौन सी विराजमान है? राशि आपकी विराजमान है आपकी मकर, जिसके स्वामी होते हैं आपके शनि, ठीक है। शनि किसके देवता है? शनि न्याय के देवता है, शनि कर्म के देवता है, शनि आपके न्यायाधीश हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। और बुध के हिसाब से देखते हैं तो बुध के हिसाब से इनकी मैत्री है। तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं हमें ये वाला जो भाव है, ये भाव हमारे लिए कहीं ना कहीं उचित परिणाम देने का कार्य करेगा। जो आपके 99 पे काम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, उन कामों की आप कहीं ना कहीं पूर्ति कर सकते हैं। कहीं कोई ऐसा तनाव अगर आपके साथ चला आ रहा था कि आपका काम नहीं हो पा रहा था, तो वो तनाव भी आपका दूर होता दिखाई देता है। बरसते सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ कर्म करना पड़ेगा जब आपको फल मिलेगा। अगर आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कोई भी आदमी आपकी विजय होने से नहीं रोक सकता है। आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर ली हमने, तीनों दृष्टियों की बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं उनकी जहां ये राशि विराजमान है, धनु राशि विराजमान है। धनु राशि कहां पर विराजमान है? धनु राशि आपके सप्तम भाव पर विराजमान है। ये भाव किसका होता है? ये भाव आपके स्पाउस का होता है, आपके पार्टनर का होता है, व्यवसाय का होता है, आपकी यात्राओं का होता है। और जब उनकी स्वयं की दृष्टि पड़ रही है और क्या कहते हैं, स्वयं गुरु उसकी आपकी राशि हो गई, तो क्या होगा? यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको काम देने का भी कार्य होगा, स्पाउस से भी संबंध आपके अच्छे होने चाहिए, आपकी जो भी कोई पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं सफल होनी चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखें, जो भी आप काम धंधा अगर किसी के साथ करना चाहते हैं, कोशिश करें स्त्री के नाम, अपनी वाइफ के नाम या अपने मतलब लेडीज़ के नाम करने की कोशिश करें, अगर कोई भी पार्टनरशिप या कोई भी व्यापार आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी आपको ये सब चीज़ों की प्राप्ति होती नज़र आती है। बात कर लेते हैं उनकी आपकी यहाँ पर इस दशम भाव की। दशम भाव पर जो राशि विराजमान है वो राशि आपकी मीन विराजमान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके भी स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। और ये भाव किसका होता है? ये यश का होता है, रोजगार का होता है, और ये आपका कर्म का भी होता है। तो क्या हुआ? यहाँ भी आप कर्म क्षेत्र में, आपके रोजगार क्षेत्र में आप पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि स्वयं गुरु भगवान गुरुदेव या बृहस्पति का आपकी राशि विराजमान है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं ये भी भाव आपके लिए उत्तम होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस की। फाइनेंस हम किससे देखते हैं? फाइनेंस का हमारा कौन सा भाव होता है? फाइनेंस का भाव हमारा होता है ये,
ये कौन सा भाव है? ये भाव आपका द्वितीय भाव है, एक तरह से वृषभ राशि का भी भाव हम कह सकते हैं, द्वितीय भाव भी कह सकते हैं। और यहाँ क्या अभिप्राय निकल के आता है? यहाँ से अभिप्राय निकल के आता है धन का और कुटुंब का। और धन और कुटुंब का मतलब क्या हुआ? गुरु से ही हम धन को देखते हैं, कुटुंब को भी देखते हैं, परिवार को भी देखते हैं। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं धन की रक्षा, धन की बढ़ोतरी गुरुदेव, कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति आपका करने का कार्य आपके लिए करेंगे। तो यहाँ धन की भी आपकी कोई समस्या हमें ऐसी नज़र नहीं आती कि कहीं आपको दिक्कत हो। बात कर लेते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, पराक्रम क्षेत्र की। आपका कौन सा भाव है? ये आपका तृतीय भाव हो गया, जहाँ से आपका परिश्रम दिखाई देता है, पराक्रम दिखाई देता है, आपकी मेहनत दिखाई देती है, आपके भाई बहन दिखाई देते हैं, आपकी यात्राएँ दिखाई देती हैं। यहाँ पर कौन राशि विराजमान है? यहाँ पर आपकी सिंह राशि विराजमान है। सिंह राशि का मतलब क्या हुआ? यानी सूर्य। सूर्य का मतलब क्या हुआ? सूर्य पहले ही आपके लिए पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। तो क्या होगा? यहाँ भी आप कहीं ना कहीं पताका फहराएंगे, अपना कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ भी आपके लिए पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ कोई हमें ऐसी दिक्कत नहीं लगती कि कोई दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि जो मिथुन राशि के स्वामी हैं वो बुध हैं, और अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये क्या है, आपस में मैत्री होगी, इसलिए इनका भी यहाँ पूर्ण रूप से हमें साथ मिलता नजर आता है, ठीक है। बात कर लेते हैं आपकी संतान पक्ष की। संतान पक्ष में जो राशि विराजमान है वो कौन सी राशि विराजमान है? आपकी तुला राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का मतलब हो गया, जब शुक्राचार्य होते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया कि शुक्राचार्य का आपको पूर्ण रूप से साथ मिल रहा है। तो क्या होगा? हमारे संतान पक्ष के लिए भी कहीं ना कहीं ये मामला अच्छा होगा, हमारे उसके लिए बुद्धि के लिए भी हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे भाग्य के लिए भी अच्छा होगा। तो ओवरऑल जो आपकी कुंडली का हम विश्लेषण करके देखते हैं, विश्लेषण आपका ये नज़र आता है कि आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी है। बस कहाँ ध्यान रखना है? ध्यान आपको इस वाले भाव का रखना है, आपके अष्टम भाव का। अष्टम भाव का क्यों आपको ध्यान रखना है? कि जो राशि विराजमान है वो कर्म की और मेहनत की राशि है, ठीक है ना। जैसे आप कर्म करते हो, जैसी आप मेहनत करते हो, वैसा फल आपको मिलता है। न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं, आप ऐसे मान सकते हो। अगर आपने मेहनत करी है, मेहनत करने के बाद आप पूर्ण रूप से इसका फल आपको प्राप्त होगा, इस बात की मैं गारंटी से आपको बता सकता हूँ। उपाय के तौर पर आप फिर भी एक काम कर सकते हैं, आप सूर्य आपका गुरु बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का पाठ आप कर सकते हैं, एक माला कर सकते हैं, दो माला कर सकते हैं, या जितनी बार भी आप कर सकते हैं, सुबह उठ के कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सोते हुए कर सकते हैं, जैसा आप करेंगे वैसा आपको फायदा होगा। अच्छा, क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अभी आपके 14 मई 2025 तक आपके जो गुरु है यहाँ पर विराजमान रहेंगे और आपको अपना पूर्ण रूप से साथ और अपना हाथ दे रहे हैं। जो जिस आदमी के ऊपर या जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु का हाथ होता है, मैं नहीं मानता कि उसे कोई तरने से या जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकता है, क्योंकि गुरु का हाथ होने का मतलब क्या हो गया? कि वो आदमी जीवन में तरक्की 100% करेगा। बरसते गुरु की नज़र में आपको अच्छा होना चाहिए। गुरु के लिए अगर आप स्टूडेंट बनना चाहते हो, गुरु को वही स्टूडेंट पसंद आता है जो गुरु के हिसाब से चलता है, गुरु के हिसाब से रहता है। तो अपने आचरण में, अपने स्वभाव में, अपनी वाणी में वैसे भी आपके चेंज आ जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। अगर हो सकता है एक उपाय आप और कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं, कोशिश करें केसर का तिलक अपने मस्तक पर, अपनी वाणी पर, अपने कंठ पर अगर आप लगा लेंगे तो ये आपके लिए और भी उत्तम और भी शुभ होगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ठीक है, आपके दिलों तक, आपके दिमाग तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। बस आज इतना ही, अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।